नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है जो कि निकली है एम्स पटना के अंदर। ठीक है, तो मैं ये आपको बताता हूँ दोस्तों कौन से पद की वैकेंसी है। दोस्तों, एक तो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये भी डायरेक्ट भर्ती है, सरकारी नौकरी है दोस्तों। इसके अलावा है स्टोर कीपर कम क्लर्क, इन दोनों ही भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लास्ट डेट है दोस्तों 30 जुलाई। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर दबाया करिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये स्टोर कीपर के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं दोस्तों आपको एम्स के बारे में बता देता हूं। अब कई लोग सोचेंगे ये एम्स पटना की है तो क्या यूपी वाले डाल सकते हैं। दोस्तों, जो एम्स होती है, एम्स जो है दोस्तों वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनमस बॉडी। ठीक है, तो चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स ऋषिकेश हो या फिर एम्स पटना हो, ऑल इंडिया में कहीं का भी एम्स हो, आप डाल सकते हैं इसके अंदर फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको उस स्टेट का नहीं होना है तब भी आप, मतलब नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आपका पटना में हुआ है तो आप पटना में ही रहेंगे ज़िंदगी भर, आपका कहीं दिल्ली में ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिना ट्रांसफ़र वाली नौकरी के अंदर। तो ये एम्स भी उसी के अंदर आती है। दोस्तों, मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था एम्स ऋषिकेश का, उसके अंदर दोस्तों निकली थी उस समय ऑफिस असिस्टेंट की। दोस्तों, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है, ये इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये जो वैकेंसी है स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसे डाउनलोड कर लेते हैं इसका नोटिस और आपको दिखाते हैं कि क्या है इस नोटिस के अंदर और क्या क्या रिक्रूटमेंट में क्या प्रोसेस है, क्या मांगा जाएगा। 15 जून को दोस्तों ये आया है, इसके बारे में वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। 85 दोस्तों वैकेंसी हैं, 85। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें, ग्रेजुएशन मांगी है और दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि है आपको हैंडलिंग करने का, स्टोर का होना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरी वैकेंसी आपको बताता हूँ जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, हम चलते हैं फिर बैक आते हैं और बैक आने के बाद में आपको मैं उसी भर्ती पर ले चलता हूँ। नीचे आप देखेंगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसे डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद ये फ़ाइल खुल जाएगी, अभी ये फ़ाइल खुल गई दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ पर 12th मांगा है दोस्तों, 12th के साथ में, या फिर या तो आपके पास 12th होना चाहिए, अगर 12th नहीं है तो मेट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट हो, यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर सर्विस एडोक एज ए लोअर डिविजनल। देखिए, ये है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये वाली को भूल जाइए आप। ठीक है, आपने अगर 12th कर रखा है तो आप ये डाल सकते हैं। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 35 की इंग्लिश में या फिर 30 की हिंदी में कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी कम है, 11 वैकेंसी हैं, मगर दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, वैकेंसी कम हो फिर भी आप फॉर्म डाला करिए अगर इंटरेस्टेड हों। ठीक है, और एक चीज़ और मैं रिक्रूटमेंट के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ सब में डाल दीजिए। अगर आपका कोई एरिया उसमें स्ट्रांग है, जैसे कि हर एग्ज़ाम की एक रिक्वायरमेंट होती है, किसी में जीएस अच्छा पूछा जा रहा है, किसी में मैथ है, किसी में इंग्लिश है, आपका जो स्ट्रांग हो अगर आपको लगता है तो फॉर्म डाला करिए। इसका मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने वीडियो बनाया आप सबका फॉर्म डाल दें। ठीक है, आप देखा करें अपने हिसाब से, अगर आपको सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 18 से 27 साल इसकी जो है एज है, 11 वैकेंसी है दोस्तों। ये आपको एम्स पटना की वेबसाइट पे मिल जाएगा, थोड़ा सा काम आप स्वयं भी किया करें। और ये जो है दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम पर इसके PDF शेयर कर दूंगा इन दोनों ही भर्ती के, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर दोस्तों मैं स्टडी से रिलेटेड PDF भी शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।